हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज 24 जनवरी यानी कि संडे। संडे इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे लिए आज सुपर संडे, बिकॉज आज के करंट अफेयर रहेंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर, 70+ क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो नाउ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के बेनिफिट्स ये रहेंगे क्योंकि आपको अगर प्रीवियस PDFs को भी एसेस करना है, आप ऐप की हेल्प से काफ़ी इजीली सारे PDF को एक साथ एसेस कर सकते हो। जल्दी से जाके ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस PDFs भी रिवाइज करना चाहते हो, आप रिविज़न में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे PDFs को डाउनलोड करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जल्दी से जाके ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो सबसे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर लेते हैं। एज यू नो आज संडे है, तो संडे को हमारा स्पेशल फोकस रहता है रिविजन पे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के करेंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जा रहा है 24 जनवरी यानी आज के दिन। नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी ऑब्जर्व किया जा रहा है 21 से लेकर 26 जनवरी तक, वो भी आपको ज़रूर याद रखना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा इनोग्रेट किया गया द एनुअल तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला इन भुवनेश्वर। गीता मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लाइंस काउंसिल, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है हमारी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। फेमस सिंगर नरेंद्र चंचल पास्ड अवे, इनका फेमस सिंगर लाइक भजन आपने जरूर सुना होगा, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, इनका निधन हो गया। एंड श्याम श्रीनिवासन MD & CEO फेडरल बैंक के इज़ अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए इन्हें चुना गया। सो गाइज, एज यू नो स्पेशल फोकस आज रिविजन पे ही है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे कल इन MCQ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। नाउ शुरू करते हैं आज का रिविजन वीडियो जो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। सो आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट इन COVID-19 रिस्पॉन्स टीम बाय जॉय बिडेन। 46 प्रेजिडेंट जो बन चुके हैं USA के, 49th वाइस प्रेजिडेंट बनी है कमला हैरिस। एंड नाउ इंडियन अमेरिकन है जिन्हें इस टीम में चुना गया था, इनका नाम आपने बताना है, पिक्चर भी आपके सामने है, इनका नाम है विदुर शर्मा। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज विधु विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट स्टेट हैज़ वेव्ड द एग्जामिनेशन फीस फॉर मेट्रिकुलेशन सब्जेक्ट्स इन ऑन गोइंग एकेडमिक सेशन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। नेक्स्ट वन इज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उड़ीसा के आपको मिल जाएंगे। वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज decided to provide free data cards of 2 GB per day capacity to college students to enable them to attend online classes. So the correct answer for this question is Tamil Nadu. Important current affairs Tamil Nadu के भी मिल जाएंगे। Storm Philomena has hit which country? तो कौन सी country ने में इसने hit किया था? स्पेन इज द करेक्ट आंसर। ए न्यू स्पीशीज ऑफ विच इंसेक्ट डिस्कवर्ड इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज नेम्ड आफ्टर सिरोवनी विच इज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन वेस्टर्न घाट्स। फ्रूट फ्लाई इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिको प्लेज नेट जीरो मिशन बाय विच ईयर? 2040 इज द करेक्ट आंसर। Who is the author of the book Our Hindu Rashtra? So author of this book is Akar Patel. Next one is who has been conferred with Indian Personality of the Year award at 51st International Film Festival in Goa? Biswajit Chatterjee is the correct answer. Amresh Kumar Chaudhary has been awarded prestigious Chief of Army Staff Commendation for his contribution to armed forces during the critical period of COVID-19. ये आप याद रख लीजिए, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा 146 फाउंडेशन डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, जिस दिन हमारे इंडियन आर्मी डे भी होता है। एंड इटालियन सिनेमाटोग्राफर विटोरो स्टैडरो
विल बी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा, लाइक जो गोवा में हुए इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ये या आप याद रखिएगा। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय केरल। विच कंट्री हैज लाइक गिवन द परमिशन टू दुबई रॉयल्स टू हंट होबरा बस्टर्ड, दिस परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय पाकिस्तान। सक्षम कैंपेन इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, सो दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। गैस आज टेस्ट चल रहा है तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मकारा विलाकू इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट, केरल इज द करेक्ट आंसर। ऋण समाधान योजना इज द स्कीम लॉन्च बाय विच बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेम द इंडियन हु हैज बीन अवार्डेड ऑर्डरे नेशनल ड्यू मेरिटे और नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, किसे सम्मानित किया गया। रोहिणी गॉडबोले इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रोमिस मी डैड, जॉय बिडन इज द करेक्ट आंसर। द इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल हैज सिलेक्टेड 3 कॉर्पोरेट लीडर्स, एंड इसमें हमारी लाइक बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मुजुमदार शाह का चुना गया, इनका नाम अब याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड USIBC के प्रेजिडेंट है निशा बिस्वाल, इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 16th रेजिंग डे, ऑन विच डे कौन सी डेट को इसने अपना 16th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 19th जनवरी 2006 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार वॉज इनाग्रेटेड एट लाइक भारत अर्थ मूवर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच इंडियन सिटी, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च 1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जिसके तहत जो भी स्टार्टअप्स रहेंगे उनको फंडिंग दी जाएगी। एंड उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका निधन हो गया जी, लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिशियन। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ऑफर्ड इंटरेस्ट फ्री कैश ऑन क्रेडिट कार्ड्स, सो दिस फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय IDFC first. Which famous personality has recently passed away who served as a union former union minister and noted industrialist bhi the ye ji, inka naam hai Kamal Murarka, who has been appointed as the president of Uganda for the 6th time. Yoweri Museveni is the correct answer. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस, सो आपको इस बताना है कि इस एम्बुलेंस का नाम क्या है, CRPF को हैंड ओवर किया गया, रक्षिता इज द करेक्ट आंसर। हु इज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरपर्सन किसे बनाया गया, ये बने जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, इसे इनाग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी द्वारा, ये अपने याद रखना 17th फरवरी तक चलेगा, फॉर द पीरियड ऑफ मंथ इसे चलाया जा रहा है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ RBL बैंक, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विश्ववीर आहूजा। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने चेयर की 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ये आप याद रख लीजिएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज इलेक्टेड होम एज इट्स प्रेजिडेंट फॉर 2021, ये बनी है फिजी की नजाहत शामीन खान, इंपॉर्टेंट नेम है याद रखिएगा।
which of the following ministry has launched faceless penalty scheme? So this has been launched by the ministry, that is Ministry of Finance. Shakrin festival is annual kite festival of which country? Bangladesh is the correct answer. Pakistan dwara Sinopharm COVID-19 vaccine ko emergency use ke liye approve kiya gaya. Okay. Gorebada International Zoo is in which Indian state? To kahan pe hai ji ye? Ye ji Maharashtra mein. Ye apne yaad rakhna, iska naam badla ja raha hai. Balasaheb Thakre Gorebada International Zoological Park iska naam rakha jayega. Important hai, yaad rakhijiyega. Maharashtra ke important current affairs bhi mil jayenge. Kalrav Bird Festival is celebrated in which Indian state? To kahan pe se celebrate kiya gaya for the first time? Inaugurated by Bihar CM Nitish Kumar. Bihar is the correct answer. India's first labor movement museum will be set up in? To kahan pe se set up kiya jayega? Kerala is the correct answer. As per Union Minister of Road Transport and Highways, the target constructing 40 km roads per day will be achieved by what time? March 2021 is the correct answer. Who is the author of the book Gazing Eastwards of Buddhist Monks and Revolutionaries in China? So author of this book is Romila Thapar. Who has been appointed as the new chairperson of Telecom Equipment and Service Export Promotion Council? So who is the new chairman? Sandeep Agarwal is the new chairman. Who has been conferred with Sahitya Gaurav Samman 2021 by Hindi Writers of Canada? Our education minister has been honored with this prestigious award, Ramesh Pokhran Nishank. Team India ne like Australia ko 32 saal baad haraya ji apne ghar pe. So kaun se venue pe ye match hua ji apne batana hai. 217 ने सीरीज को जीत लिया है. द गाबा इज द करेक्ट आंसर. इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव 2 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 टू विच नेशन? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज लॉन्च महिला उत्कर्ष योजना? सो दिस योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय गुजरात. विच कंट्री हैज बीन रोल्ड आउट फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी? Russia is the correct answer. Gucci mushroom has recently got GI tag in which state or UT? Jammu and Kashmir is the correct answer. Who has become the new president of USA? 46 president ban chuke hain officially. Joe Biden. Which state has launched horticulture development mission to double incomes of farmer involved in medical and horticultural farming? So correct answer for this question is Gujarat. Phone Pay emerged as the top UPI application in December. Ye aap yaad rakh lijiyega. 2015 mein like Phone Pay ka establishment hua tha. Who will become the first woman fighter pilot to take part in Republic Day parade? Bhavana Kant is the correct answer. Who is the author of the book titled Manohar Parikat of the Road? Vaman Subhaprabhu is the correct answer. Which of the following bank has launched InstaFX mobile app? So this has been launched by the bank ICICI Bank. Kiran Rijiju ko like additional charge diya gaya Ayush Mantralaya ka. श्रीपद यशो नायक का एक्सीडेंट हो गया, वो इलाज करवा रहे हैं. ओके. इन्फोसिस हैज रिसेंटली अनाउंस डैट इट हैज़ बीन एक्रीडिटेड विद गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन. ये आप याद रख लीजिएगा. डेजर्ट नाइट 21 बिगिंस इन जोधपुर. तो आपको ये बताने की कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है ये. इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज लॉन्च ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन Radio Hills Youngistan ka dil? So this has been launched by Himachal Pradesh. Okay, important current affairs of HP aapko mil jayenge. Niti Aayog dwara India Innovation Index 2.0 launch kiya gaya, release kiya gaya.
कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, आपने याद रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स कैटेगरी में एचपी नंबर वन पे रहा, दिल्ली अमंग यूटीज नंबर वन पे रहा। ओके, नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कब से कब ऑब्जर्व किया जा रहा है? 21 से 26 जनवरी तक। पराक्रम दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया, 23 जनवरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, कौन सी कंपनी को बेस्ट गवर्न कंपनी सम्मानित किया गया, ये आपने बताना है। 20th ICSI नेशनल अवार्ड्स इन लार्ज कैटेगरी, ITC लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एवर शो स्नो शो रन कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया टू प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स, तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया श्रीनगर में। ओके, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सीज्ड ए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, बोइंग 777 एरोप्लेन अवर नॉन पेमेंट ऑफ लीज ड्यूज, सो दिस हैज़ बीन डन बाय मलेशिया। नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने, चंडी प्रसाद मोहंती। फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन बन चुकी हैं, जिल बिडन इज द करेक्ट आंसर। टास्क फोर्स जो बनाई गई थी लाइक टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ मैरिज फॉर वुमेन्स, तो इसने अपने रिपोर्ट सबमिट किए, तो आपको बताने की कौन हेड कौन बनाई गई थी, जेड एटली इज द करेक्ट आंसर। सैटेलाइट इमेज ने शो किया कि चाइना द्वारा अपना एक विलेज बनाया गया लाइक ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, सो नेम ऑफ द विलेज इज, नेम ऑफ द रिवर इज सारीचू। एंड 21 MiG 29 and 12 सुखोई 30 MK फाइटर्स फ्रॉम विच इंडिया लाइक प्रोक्योर करेगी, सो ये करेगी, हमारा भारत लेगा रशिया से। एंड नेताजी एक्सप्रेस होवरा कालका मेल का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा द्वारा एवालोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड वुमेन सिंगल ऑफ थाईलैंड ओपन 2021 स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर कैरोलिना मारिन द्वारा जीत लिया गया। एंड नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप बताएंगे, हु हैज बीन कन्फर्ड विद इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा, तो किसे सम्मानित किया गया ये आपने कमेंट करके बताना है। सो गाइज विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, वीडियो अच्छा लगा आपका रिविजन हो गया, इन्फॉर्मेटिव लगा। एंड PDF के लिए गाइज आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जल्दी, एंड सारे PDF आपके लिए आपको सेम प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे गाइज, आपको प्रीवियस PDF को भी एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, एंड अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारी ऐप के लिए। ओके, ऐप में आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो ये सारी फैसिलिटीज़ ये सारा लाइक आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान करने के लिए है। सो बस इतना करते रहिए, अपने सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन माई वर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड एन्जॉय द डे संडे।